हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बहुत यमी सी मैंगो की खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने 2.5 किलो आम लिया है, जिनको अच्छे से धो लिया है, फिर सुखा लिया है पंखे के नीचे, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसको छील लेते हैं। पहले ये देखिए, इस तरह से हम इसको चारों तरफ से छील लेंगे। वीडियो में बिना स्टैंड पे लगाए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको ऐसे स्टेप में दिखा रही हूँ। इसका ये जो हरा वाला छिलका है, इसको हम चाकू की सहायता से छील लेंगे और इसको बाद में ग्रेट करेंगे, जो मैं ग्रेट करते हुए आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हम इसको कस लेंगे कद्दूकस की सहायता से, और आप देखिए ये कितना बारीक ये लच्छा इससे हो जाता है। और ये मैंने टोटल 2.5 किलो आम लिया है, बाद में हम देखेंगे कि कितना गूदा इसमें से निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, जाली पड़ी हुई है। देखिए, जाली मतलब गुठली पड़ गई है, पका हुआ आम है, तो गुठली निकाल देंगे तो कितना रह जाता है फिर देख के बताते हैं। तो पहले सारा कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये जो है टोटल हमने आम कस लिए हैं सारे, इसमें मैं मिला रही हूँ सेंधा नमक 1 टेबलस्पून, और उसके बाद डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून। तो पहले हम इतना ही डालेंगे, 2 टेबलस्पून नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ये जो गूदा है ना, ये 1 किलो 350 ग्राम निकला है। मैंने मेजर किया, क्योंकि 2.5 किलो हम लाए थे आम, बट गुठली जो है वो काफी मोटी निकली इसमें, तो ये 1 किलो और 350 ग्राम है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने कर लिया है मिक्स। अब हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 15 से 20 मिनट इसको रखे हुए हो गया है, और इस तरह से पानी इसमें छूट गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम इसको ना सारे को एक कढ़ाई में डाल लेंगे, पानी वगैरह इसी के साथ रहने देंगे। ये देखिए, हमने इसमें कढ़ाई में ये कैरी का जो गूदा है वो डाल दिया है, जिसको किसा है। अब हम डाल रहे हैं इसमें चीनी। तो मैं कप से डाल रही हूँ, वैसे 1.25 किलो चीनी आप इसमें डालें, पर मैं कप से अंदाजा लगा के ना इसमें डाल रही हूँ। तो ये पूरा मैंने अच्छे से भर के 2 कप ले लिया है, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। चीनी को चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस को बिल्कुल धीमा रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर करके इसको लगातार चलाते हुए, क्योंकि चीनी जब तक पिघलेगी ना, हमें इसको चलाना है, लग ना जाए नीचे। ये देखिए, बहुत बढ़िया चटनी बनती है, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए, जैसे जैसे चीनी पिघलना शुरू होगी ना, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए ऐसे, इसमें ये तरी दिख रही है ना आपको, तो ये मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है इसको। और ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, आप मठरी के साथ, पूरी के साथ, ब्रेड जैम की तरह ब्रेड में लगा के खा सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये पिघलना शुरू हो गई है। अब हम इसको इसमें चीनी के साथ पकाएंगे। आप देखिए, बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको गैस को हम स्लो टू मीडियम पर रखेंगे और चटनी को पकाएंगे। देखिए, 5 से 10 मिनट इसको हो गए हैं, 10 मिनट के करीब हो गए हैं, और ये ऐसे पकना शुरू हो गई है। इसी बीच हम इसमें क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें ये कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच काला नमक, ये 1 टीस्पून 1 टीस्पून है, बाकी आप अपने चक्कर भी देख सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको करते हैं मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 2 पिंच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। और इसको करते हैं मिक्स। देखिए, कलर अच्छा आना शुरू हो गया है। जब तक हमारी ये आम पक जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब तक हमें इसे पकाना है।
देखिए मैंने क्या किया है, अपनी पुरानी कढ़ाई में इसको डाला है, क्योंकि वो हैवी बॉटम नहीं थी, उसमें जलने लगा था। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कढ़ाई जो है वो हैवी बॉटम हो। तो ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट ये चटनी जो है तैयार होने में है। देखिए आप, बहुत अच्छा कलर आया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी चटनी जो है बनकर तैयार है। कितनी बढ़िया ये चटनी देखिए बनी है, बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से गली हुई है। हमने टेस्ट कर लिया है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने इसमें 1 कप चीनी और डाली है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको देख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका ओरिजिनल कलर तो बहुत सुंदर आया है। ये मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ, ये इसका रेडिश सा कलर है और बहुत ही परफेक्ट। देखिए अब ठंडा होने के बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने जो चीनी की मात्रा है ना, वो करीब 1 किलो से थोड़ा सा कम, 4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यूज़ की है। यानी टेस्ट करके देख लें, मेरे आम बहुत खट्टे थे ये वाले, इसलिए मुझे 1 किलो के बराबर ही जरा सा कम चीनी लग गई है। तो आप चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, तो मैं 2 पिंच इसमें हींग भी डाल रही हूँ, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको मिक्स कर देंगे। अभी ये गर्म है काफी, तो इसमें मैं ये 2 पिंच हींग भी डाल रही हूँ। और ठंडा होने के बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे। बहुत ही बढ़िया बनी है ये, देखिए देखिए चटनी जो है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। देखिए चटनी ठंडी हो गई है। अब हम डाल रहे हैं इसमें विनेगर 1.5 टीस्पून, और इसको करते हैं मिक्स। इससे क्या है, जो चीनी है ना वो जमेगी नहीं, शुगर जमेगी नहीं, और ये बिल्कुल एज इट इज रहेगी और प्रिजर्व भी करता है। ये विनेगर जो है, वाइट विनेगर, आपके अचार को, मुरब्बे को, चटनी को प्रिजर्व करता है। तो अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। ये देखिए कितनी बढ़िया ये चटनी बनकर तैयार है, परफेक्ट। कलर भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छी है, और ये सालों खराब नहीं होती है। आप आराम से बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। यम्मी सी चटनी रेसिपी। Thank you so much for watching my recipe.